हाय, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलीग्राफी के बारे में। बेसिकली कैलीग्राफी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है ट्रेडिशनल कैलीग्राफी और दूसरी है मॉडर्न कैलीग्राफी। सबसे पहले हम मटेरियल को समझ लेते हैं कि कौन सी कैलीग्राफी में हमें क्या यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे मैं अभी कैलीग्राफी कर रही हूँ। ये है कैलीग्राफी पेन सेट जिसे हम ट्रेडिशनल कैलीग्राफी करने में यूज़ करेंगे, और इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। बाकी सिर्फ देखने के लिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ये है चीजल मार्कर, ये है ब्रश पेन, ये है डिप पेन। सो इन सब मटेरियल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फोकस करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो आज हम इससे सीखेंगे। तो ये है कैलीग्राफी सेट जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसमें एक है, ये 6 नेब है। ये है सबसे बड़ी वाली, ये सबसे बड़ी वाली, और उसके बाद ये दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथी, पांचवी, छठी। ये नंबर इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बड़ी वाली है, उसके बाद ये सबसे छोटी 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 होती जा रही है। तो अभी हम ये सबसे बड़ी वाली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि इसको चलाना कैसे है। जैसे कि ये इस तरह की कुछ होती है, और एक होती है ये कार्ट्रिज जो आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाएगी। उसको आपको इसके अंदर ऐसे डाल के थोड़ा सा यहाँ से पुश करना है, उसके बाद इसे बंद कर देना है। ये आपकी कैलीग्राफी पेन रेडी होगी। और इसके अलावा भी एक और तरीका है, ये आपको इसी कैलीग्राफी पेन सेट के साथ मिलेगा। इसमें आप इंक भर सकते हैं और उसके बाद चला सकते हैं। जैसे कि इसे मैं ऐसे घुमाऊंगी तब देख सकते हैं ये अंदर जाता जा रहा है। मेरे पास अभी पार्कर की है इंक। अभी मैं इसको इसमें डिप करूंगी और इसे इस तरह से घुमाएंगे, और जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे इंक उसमें भरती जाएगी। अब आप इसे इसके अंदर इसे डाल दीजिए और फिर इसे बंद कर दीजिए। तो ये दो तरीके होते हैं इसको फील करने। कई बार इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत टाइम से ये पड़ी होती है तो ये चलती नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है पानी का और उसमें इसे डिप करना है। जैसे ही ऐसे थोड़ी सी इंक छूट जाए उसके बाद आप इसे पोंछ लें। जब इसे चलाएंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। देखिए, तो ये है वो सारी पेन जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। ये सबसे बड़ी वाली, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो इसको मैंने एक नंबर दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाला जो कैलीग्राफी सेट है हमारा, उससे हम कौन कौन से फॉन्ट्स सीखेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये है ओल्ड इंग्लिश, जो भी फॉन्ट है मैंने उसी स्टाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओल्ड इंग्लिश, गॉडी फैंसी, रिंगलेट, विवाली और विंटेज। ये सारी हम इस एक वीडियो में नहीं सीखेंगे, आज हम सिर्फ ओल्ड इंग्लिश सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पेन काम कैसे करती है। जैसे कि हम इसे ऐसे रखेंगे तो ये ठीक चलेगी, और फिर जैसे हम इसको ऐसे के बदले ऐसा कर देंगे तो ये थिन चलेगी। बस इसी थिक और थिन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और अभी हम बेसिक स्ट्रोक मैं आपको बताऊंगी जो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस। जैसे कि पहला है ये थिन, उसके बाद थिक, उसके बाद थिन, ये पहला वाला है, फिर उसके बाद थिन, ये थिक और ये थिन, थिक और थिक टू थिन।
छोटा वाला। इसके बाद है ये, ये है सारे वो बेसिक स्ट्रोक जो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करने हैं। और ये है उसकी सेकेंड अल्फाबेट जिसको यूज़ करके आप ओल्ड इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग कोई भी कोड आप राइट कर सकते हैं। उसका पहला जो कैपिटल लेटर है वही हमें ये वाला लेना है। सारी स्पेलिंग हमें इसी से नहीं लिखनी है, सिर्फ जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं उसका पहला पहला जो लेटर है वही कैपिटल होगा और बाकी सारे ये स्मॉल होंगे। ये मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया क्योंकि अगर आपने इस वाले की प्रैक्टिस कर ली है तो ये वाले तो आप फोटो देख के भी इजीली समझ जाओगे और आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, तो इसलिए मेरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा वीडियो लंबी होती जाएगी। और फिर भी अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे या कमेंट में आप मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको भेज दूँ, और कम से कम मुझे भी तो पता चले कि ये वीडियो कौन देख रहा है। शायद हो सके कोई ना भी देख रहा हो, पर अगर आप मैसेज करेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, पर आगे और भी वीडियोस बाकी हैं जो बाकी की कैलीग्राफी हमें सीखनी थी जो हमने बात की थी, ये वाली जो चार अभी भी बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी कैलीग्राफी वीडियोज़ बाकी हैं, ब्रश पेन से, चीजल मार्कर से और डिप पेन से, तो वो सारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टे ट्यून्ड।